और विकसित पंजाब के मिशन पर भगवंत मान सरकार लगातार काम कर रही है। मान सरकार ने पठानकोट में एनआरआई सम्मेलन किया, जहां एनआरआई कारोबारियों की मुश्किलों को सुना गया। पंजाब सरकार सूबे के विकास के लिए विदेश में रह रहे पंजाबियों का भी सहयोग चाहती है। मान सरकार ने पंजाब में इन्वेस्टर्स लाने के लिए पठानकोट में एनआरआई सम्मेलन किया। मैनू इस गल का चाह है जे कोई बंदा मैनू कवे कि मैं मिलना चाहना जी, इन्ने पैसे लाऊगा तो 500 बंदे नू काम देऊगा, मैं उन्हूं कहना टाइम मैनू ना पुछो, टाइम उन्हूं पुछो कदों मिल सकता है, नाले 500 नहीं यार 700 बंदे नू काम दे। सरकार ने एनआरआई को पंजाब में कारोबार करने का न्योता दिया और कहा कि सरकार उनकी हर मुश्किल को हल करेगी। जदों मर्जी आके मिलो, साडे मंत्रियों दे, साडे अफसरां दे, मुख्यमंत्री दे दरवाजे थोड़े लिए खुले ने, आओ मिलके पंजाब नू दोबारे पंजाब बनाइए। पंजाब सरकार पठानकोट में टूरिस्ट हब बनाने का प्लान कर रही है, जहां पैराग्लाइडिंग और मोटर पैरासीलिंग का भी लुत्फ उठाया जा सकता है। और सम्मेलन में हिस्सा लेने आए एनआरआई ने पंजाब सरकार की तारीफ की, कहा पंजाब में बहुत कुछ करने का मौका है, जिससे युवाओं को पंजाब में ही रोजगार मिल सकेगा। पंजाब की मान सरकार के पठानकोट में आयोजित किए गए एनआरआई सम्मेलन में कई देशों से आए एनआरआई ने शिरकत की। फ्रांस से आए मेहमानों ने मान सरकार की जमकर तारीफ की। इन्वेस्टर पंजाब आने के लिए इच्छुक है। बाहर सेट होने से पहले एक बारी पंजाब में या इंडिया में अपनी किस्मत जरूर आजमाए। अभी वो सिस्टम नहीं रहा, अभी डिजिटल इंडिया हो गया, सारा कुछ डिजिटल हो गया। पंजाब आए दलविंदर जीत सिंह का कहना है कि पहले के मुकाबले आज हालात काफी बदल गए हैं। 28 years before और आज के पंजाब में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और होपफुल के आगे और ज्यादा बेटर होगा। मैं 95 में फर्स्ट टाइम जब गया था यहाँ से 28 साल पहले, तब तो देखो नौकरी जॉब तो होती नहीं, एजुकेशन थी लेकिन जॉब्स नहीं थी और हालात भी आपको पता ही है। 28 साल पहले 95 में पंजाब के हालात किस तरह के थे, तो घर वाले क्या सोचते थे, तो पहला मैट लो और जाओ बाहर।